श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर जो ये पंडाल लगा हुआ है इसके अंदर अभी देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस खाली है, आप कहीं भी जा कर के बैठ सकते हो, इतनी जगह खाली है। ये अभी सुबह के 10 बजे की भीड़ है और 1 बजे कथा स्टार्ट होती है, 1 बजे से 4 बजे 3 घंटे तक कथा चलती है। तो अभी पब्लिक ज़्यादा नहीं आ रही है, तो अभी स्क्रीन चालू की गई है और 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद यहाँ पर आप हालात देखना कि कैसे होने वाले हैं। अभी देखिए कितना स्पेस दिख रहा होगा आपको सामने, कितनी चीज़ें, कितनी खाली जगह है। तो ये 11 बजे के बाद पूरी जगह बुक हो जाएगी, 1 बजे तक यहाँ पर हालात ऐसे हो जाएंगे। और स्क्रीन ये चालू हो चुकी है, बीच में स्क्रीन में आप देखिए स्क्रीन के जस्ट सामने जो बीच वाला पंडाल है उसमें काफ़ी भीड़ हो चुकी है वैसे, क्योंकि लोग ज़्यादा सामने जाना पसंद करते हैं ताकि लाइव देख सकें हम गुरुजी को जा कर के। और सामने हमारे पंडाल है, हम साइड में है, इसके हम राइट में हैं, ये सामने आपके पंडाल है। और इसी के जस्ट साइड में वैनिटी भी आपको दिखाई दे रही होगी शायद, वैनिटी आस्था वालों की यहीं पर खड़ी हुई है जो वे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ये देखिए वीडियो के राइट में वैनिटी आपको दिख रही होगी। तो सारा सिस्टम सारा प्रोसीजर चालू हो जाता है, 9-10 बजे स्टार्ट हो जाता है और उसको अच्छे से सेट करने के लिए वही टाइम हो जाता है 1 बजे तक। तो 1 बजे तक फिर गुरुजी आ जाते हैं और फिर सारी चीज़ें ये स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों 1 बज चुका है और देखिए गुरुजी आ चुके हैं और गुरुजी कान्हा जी को माला पहना रहे हैं, उनके वस्त्र ठीक कर रहे हैं। तो 1 बजे से अब कथा का अब देखना, अब यहाँ पर भीड़ देखिए पहले आप, जो भीड़ हमने आपको अभी दिखाई थी वो 10 बजे की भीड़ थी और अभी 1 बजे की भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। अब आप यहाँ पर खड़े होने के लिए भी जगह ढूंढ नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ हो चुकी है। क्योंकि टाइम होते होते जो लोकल के लोग होते हैं वे इतने संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, इतने लोग आ जाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लोग आते कहाँ कहाँ से है और किस किस साइड से कितने कितने लोग आते हैं, तो कितनी भीड़ आगे 4 दिन तक बढ़ने वाली है वो भी सारी चीज़ें हम दिखाएँगे, हमारे पास रिकॉर्डेड है। और अभी आप देखिए अभी मैं भीड़ के बीच में ही हूँ, क्योंकि मैं साइड में भी होकर वीडियो बनाता था और बीच में रहकर भी वीडियो बनाता था। तो अभी मैं बीच में बैठने के लिए इसलिए आया था, तो मेरा अभी दूसरा ही दिन है ना ये, तो इसलिए मैं बीच में आया था कि मेरा अभी दूसरा दिन है। तो मैं साइड में जाऊंगा फिर, क्योंकि मुझे मोबाइल चार्ज करना होता है वहाँ पर, और दूसरी चीज़ वहाँ से वीडियो अच्छी बन जाती है। अभी मैं दूर बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर मैं वीडियो बना लेता हूँ अच्छे से बैठ करके, चारों तरफ की आपको भीड़ भी दिखा सकता हूँ कि इतनी भीड़ आई हुई है। तो गुरुजी बैठ चुके हैं, अब गुरुजी कथा स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रोसीजर आपने देखा नहीं होगा, ये स्क्रीन के पीछे रहता है, तो मैंने व्लॉग में ये चीज़ें आपको दिखाई है। ये सभी इनके परिवारजन हैं सुनील जी के, तो सबको तिलक कर रहे हैं गुरुजी, उसके बाद में फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। तो और ये नज़ारा भी आप लोग देखते ही होंगे कि पब्लिक कैसे, जहाँ भी कैमरा घुमाया जाता है उधर पब्लिक कैसे हाथ अपना दिखाने लगती है कि मैं भी कैमरे में दिखाई देने लग जाऊँ। तो ये सब प्रोसीजर आप लोग देखते ही है रोज़ाना, अपने यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे या टीवी में देखते होंगे, तो ऐसे पब्लिक रहती है। जैसे ये अभी ड्रोन से ड्रोन घुमा रहे हैं बीच में, तो पब्लिक अभी सब ऐसे ही अपना स्टार्टिंग है, तो सभी लोग कुछ खड़े होकर के हाथ दिखाते हैं, कुछ बैठे हुए दिखाते हैं, तो सब सोचते हैं कि हम भी दिख जाए एक बार कैमरे के सामने। तो दोस्तों कथा अभी चल रही है और जैसा कि आप देखते हैं कि गुरुजी किसी ना किसी के खत पढ़ते रहते हैं, तो अब ये जो एक खत पढ़ रहे हैं, तो सामने जो कैमरामैन आपको दिखाई दे रहा है वो ये खत दिखाता है, पास जाकर के इसको रिकॉर्ड करता है ताकि कोई ये ना बोल सके कि भाई झूठा खत है या कुछ ऐसी चीज़ है। तो वे लाइव ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाते भी है कि किसका खत है, कहाँ से आया है, क्या इसमें लिखा हुआ है, किसकी फ़ोटो है, वो सारी चीज़ कैप्चर करते हैं। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है, अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाई देती है, अपने टीवी पर दिखाई देती है। तो दोस्तों जिसका खत अभी पढ़ रहे थे गुरुजी, उसको लेडी को बुलाया गया है, एक औरत है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जिसका एक बच्चा डॉक्टर ने बता दिया था कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है,
सामने आप देख रहे होंगे कि गार्ड लोग लेकर के आ रहे हैं, तो कितनी सिक्योरिटी रहती है ये सब आप देख रहे होंगे। तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों होती है, क्योंकि पब्लिक इतनी हो जाती है दोस्तों कि आप पता लग जाए तो एक बार कुछ झगड़ा हो जाए या कुछ बात हो जाए तो एकदम से पब्लिक अफरा तफरी मच जाती है। इसलिए सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है और पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए कितनी भीड़ है और कितनी पब्लिक है, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि कितनी पब्लिक अभी जमा हो चुकी है। तो ये हालात हो चुके हैं, हो जाते हैं 10 बजे के बाद, यानी 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद ये हालात हो जाते हैं। और ये वो लेडी है, एक बच्चा देखिए ये अपने साथ ले रही है, एक इनके हस्बैंड ले रहे हैं पीछे। तो ये अब इनका पत्र इन्होंने गुरुजी ने पढ़ा और उसके बारे में इसको बुलाया गया है। ये आपने अपने कथा में देखा होगा, अपने टीवी पर देखा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं चीज़ें ब्लॉग के थ्रू कि कैसे कैसे क्या। तो दोस्तों ये सबसे आगे की वो जगह है जो VIP एरिया बोला जाता है, जहाँ पर इनके जानकार लोग आते हैं, जो लोग कथा कराते हैं और उन्हीं के खास लोग होते हैं यहाँ पर बैठने के लिए। अभी आप देखिए ये लेडी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर कितना स्पेस खाली है, लेकिन 3 दिन की 4 दिन की कथा के बाद आप देखेंगे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये आप स्पेस देखना उस वक्त ध्यान से कि कितना स्पेस यहाँ पर भी बाकी है, क्योंकि पूरे कैमरामैन जितने भी है देखिए यहाँ पर खड़े होते हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर होती है ताकि गुरु जी तक कोई ना पहुँच सके ऐसे बिना मतलब के। तो यहाँ पर भी दोस्त 5वें दिन लास्ट की जब कथा थी, 4थे दिन भी यही हालात थे कि यहाँ पर भी स्पेस नहीं था, यानी VIP लोगों के लिए भी स्पेस नहीं था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी कथा के बारे में, प्रोसीजर आपको समझ आया होगा कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों तब तक के लिए जाप कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।